In this video, we are going to solve exercise 7.4. जब भी कोई numerical दिया हुआ रहता है, दो fraction दिए हैं, तो कैसे पता लगाएंगे कि कौन से fraction जो है, वो बड़ी है? बहुत easy method है. हम लोग suppose करो, ये दे रखा है 2/3 and 3/5. कौन से fraction इसमें greater है? तो क्या करेंगे, क्रॉस इनटू करेंगे और 2 को 5 से और 3 को 3 से इधर, तो 2 इनटू 5 3 इनटू 3 और ये आ गया 10 9. कौन सी वाली बड़ी है? इसको और इसको मल्टीप्लाई करके बड़ा आया, तो ये ग्रेटर है, इसलिए 2/3 इज ग्रेटर देन 3/5. और ग्रेटर का निशान जानते हो आप, जिस तरीके से मुंह खुला हुआ होता है, बड़ा मुंह जिस साइड होता है, वो साइड बड़ी होती है. ठीक है, अगर इसी में उल्टा क्वेश्चन कर दिया कि विच इज स्मॉलर, तो भी वही तरीका, ये वाली स्मॉलर है, तो हम इसको लिखेंगे और ये क्या हो जाएगी, कौन सी स्मॉलर है, ये ग्रेटर है और सॉरी ये सिंबल वही लगेगा, ये ग्रेटर है और ये वाली स्मॉलर है. ठीक है, नेक्स्ट इसी में, अगर बहुत सारे फ्रैक्शन दिए गए हों और उनको बोला हो कि क्या करो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो. आप अच्छे से जानते हो असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा. तो हम कैसे करेंगे, चलिए मैं एक्सरसाइज में बताऊंगी. 7.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, 3/5 और 2/3? 3/5 और 2/3. मैंने अभी भी बताया आपको, क्या करेंगे, इसको क्रॉस इनटू करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 3 3 9 और 5 2 10. कौन सी साइड बड़ी है, ये वाली साइड बड़ी है, तो ये ग्रेटर आ जाएगा. इट मींस 2/3 इज ग्रेटर. बाकी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के आप लोग खुद करेंगे. फर्स्ट के सेकंड वाला है, विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर, सेम यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. आपकी बार क्वेश्चन है स्मॉलर, तो हम लोग क्या करेंगे, 3/8, क्वेश्चन सेकंड का ए, 3/8 और 4/5, सेम वैसे ही क्रॉस इनटू करेंगे, 15 32. कौन सा स्मॉलर है, ये वाला स्मॉलर है 15 वाला, तो हम लिखेंगे 3/8 इज स्मॉलर देन 4/5, तो यहां लिखेंगे 3/8 इज स्मॉलर, जो छोटा है. बहुत इजी है, क्रॉस इनटू करके हम निकाल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज. हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और असेंडिंग का मतलब होता है, असेंडिंग मींस छोटे से बड़े की ओर. फर्स्ट क्वेश्चन है 3/4 5/6, 3/4 5/6, 23/24. ये क्वेश्चन है. सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेंगे. हमारे पास डिनोमिनेटर है 4 6 24. एलसीएम लेना आपने सीखा है 5th क्लास में, 4 1 6 4 6 6, तो आया एलसीएम 6 4 24. इसको यहां लिख लीजिए या एक लाइन खींच लीजिए. 4 के टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम्स, 6 3 जा, उसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 जा 12. नेक्स्ट कितने टाइम्स आता है 6 के टेबल में 24, 4 टाइम्स, 4 5 जा 20. नेक्स्ट 24 के टेबल में 24, 1 टाइम्स, 1 into 23 23.
अब तो ये लाइन सही है, ये छोटा, इसके बाद बड़ा और बड़ा, ये किसकी वैल्यू है, इसकी, तो असेंडिंग ऑर्डर में हो गया 3/4, 5/6 एंड 23/24। यहां तो सीक्वेंस ही असेंडिंग ऑर्डर था, यहां लिख दीजिए इसको असेंडिंग। बाकी बच्चे भी आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा, सेम इसको भी ऐसे ही करना है। मैं क्वेश्चन ले रही हूं 5/7, 4 का फर्स्ट, 5/7, 3/8, 9/11। क्या करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, 7, 8, 11, 7 बन जा 8 और 11, 8, 7, 8 56 और 11, 11 6, चलो इसको कर लीजिए 6 और 5, 6 and 5, ये आया 6, 1, 6, तो एलसीएम आया 6, 1, 6। अगर हम यहां ध्यान से देखें 7 के टेबल में 6, 1, 6 कितने टाइम्स आता है, अब 7 के टेबल में 88 टाइम्स 7 इसमें से निकाल देंगे क्योंकि इन तीनों का मल्टीप्लाई मिलकर क्या आया 6, 1, 6, तो 7 हटा देंगे तो कितना बचा 88 टाइम्स। एक तरीका तो ये है। नेक्स्ट दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, 600 को 16 को 7 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो गया 7, 8 जा 56 और ये बच गया आपका 56, 7, 8 जा 56, यहां पर भी 88 टाइम्स आ रहा है तो आप क्या करेंगे 88 into 5, क्योंकि यहां पर बड़ा है तो मैंने ऐसे छोड़ दिया। अब 8 के टेबल में देखिए 56 कहां पर आ रहा है, वो 616 कहां पर आता है, तो ये आएगा 77 टाइम्स। आप करके देखेंगे ऐसे 11 के टेबल में 616 कितने टाइम्स आ रहा है, तो ये आएगा 56 टाइम, तो 56 into 9 मल्टीप्लाई करते हैं 5 8 जा 40 और 4 4 40 comma 3 7 जा 21 और 2 23 9 6 जा 54 9 5 जा 45 और 5 50। अब यहां पर सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला, इट मींस ये वाला सबसे बड़ा है तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। नाइन बाई इलेवन, उसके बाद कौन सा है 4/40 तो 5/7 और सबसे छोटा है ये वाला तो 3/8, ये हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो स्टूडेंट डू ऑल क्वेश्चन इन योर नोटबुक, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।